सो गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि आपको पता है आज है छोटी दिवाली और मेरे और धोने हैं मुझे इतने सारे कपड़े और मैंने अपने कपड़े भी निकाल दिए थे धोने के लिए। और हमारी आई थी वॉशिंग मशीन न्यू, तो मैंने सोचा चलो मैं नई वाली वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोऊंगी। हमारी जो पहले वाली वॉशिंग मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, तो हमने वर्लपूल की नई वाली वॉशिंग मशीन परचेज़ की थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पर्पल कलर लिया था और बहुत ज़्यादा सुंदर था पर्पल कलर। और मैं आपको अभी इसको खोल के दिखाती हूँ। इसमें चार हमें बटन प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें ड्रेन वाला सिस्टम भी है, यहाँ पे से ड्रेन मतलब सुखाने वाला जो होता है। और ये हमारी वॉशिंग मशीन, इसमें डस्ट इकट्ठा हो जाती है और ये जो हम कपड़े सुखाते हैं ना उसके ऊपर रखते हैं। और इसमें हमें पलक मिला है और मेरा ना थोड़ा गला ख़राब भी हो रहा है, तो थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसमें जो हमें मतलब पढ़ने पड़ेंगे कि फॉलो ऐसे ऐसे, मतलब इसको ऐसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इन किन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। और ये ना नया चल गया, देखो कैसे मतलब इसका ढक्कन ना पूरा लगता नहीं है, खाली ऐसे ऊपर से लिखने वाला है। ऊपर से देखो वर्लपूल लिखा भी है इसके, और मेरे को तो काफ़ी पसंद आई। इसका ब्लैक और पर्पल कलर ना, मतलब जो ब्लैक और पर्पल कलर का इसका कॉम्बो है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलो हमने फिट कर दी थी और मैंने इसको थोड़ा धो दिया था ना, क्योंकि इसमें थोड़ी दूर डस्ट बैठी हुई थी वहाँ से, तो मैंने थोड़ा इसको धो दिया। और मुझे काफ़ी पसंद आई ये वाली वॉशिंग मशीन, तो इसलिए हमारी ना पहले वाली ख़राब हो गई थी तो हमें ज़रूरत भी बहुत थी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। मैं पहले इसमें फटाफट पानी भर लेती हूँ। और ये पानी ना इसमें मैंने यहाँ पे से देखो नल कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से खोलूँगी तो यहाँ पे से इसमें भर जाएगा पानी। मुझे मतलब ऐसे बाल्टी से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे सुखाने वाला है, मैंने वैसे इसमें कपड़े सुखाए थे, एक जो जोड़ी सही सूख रहे थे, अच्छे सूख रहे थे, तो मैंने तब इसको यूज़ करा था पहले। और यहाँ पे देखो दो हमें यहाँ पे इसमें सुखाने वाले में भी पानी साफ़ हो सकता है और इसमें भी पानी हो, यहाँ से मैंने पाइप कनेक्ट किया था। और हम रेडी होके चल रहे हैं, जा रहे हैं मार्केट के लिए। देखो कैसा सामान मिलता है, मैंने तो सुनो भीड़ भी बहुत हो रही है क्योंकि दिवाली के टाइम पे तो होती है ना, आप लोगों को पता ही होगा। और चलो हम चलते हैं, भाई मैं और मेरा छोटा वाला भाई, हमारे दुकान वहाँ पे लोकल में जो दुकान है वहाँ पे भी दिवाली का बहुत ज़्यादा सामान आ रहा है, तो हम तो ज़्यादातर वैसे यहीं से परचेस कर लेते हैं। हम तो वैसे जा रहे थे कि चलो हम घूम आएंगे थोड़ा दिवाली के उससे। और ये देखो यहाँ पे शंकरपुरा हम पहुँच गए थे, और हम यहाँ से पैदल जा रहे थे क्योंकि आगे का रास्ता मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होती है, तो गाड़ी वाड़ी निकालने का नहीं हो पाता है, तो हम यहाँ से पैदल ही जा रहे थे। और यहाँ से अभी हमें कुछ समथिंग 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है ऊपर, जहाँ रामनगर मतलब उसमें लगता है बाज़ार लगता है, ये कुलरगट्टी है। और यहाँ पे मतलब अब जैसे कल दिवाली होगी ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर ऊपर की साइड को डेकोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मिठाई की शॉप भी है। और चलिए पहले हम चलते हैं फटाफट मार्केट को। और मैं ना 2-3 झोले भी ले आई थी घर से कि मतलब क्योंकि वहाँ पे हमें मिलते ही नहीं है ना झोले, फिर उनसे मांगने पड़ते हैं, फिर वो कहते हैं 10 रुपये का झोला ये वो करके, तो इसलिए मैं घर से ही झोले लेके आई थी। और देखो लाइटिंग सब जगहों पे मतलब लोगों ने लाइटिंग और इतना सुंदर डेकोरेट की, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था रामनगर। और मैंने मतलब ज़्यादा मुझे सामान लेना तो नहीं था, तो एक दो सामान ही थोड़े बहुत दिए ये लेने थे, छोटा मोटा सामान देखना था, तो मैंने कहा चलो हम दिखाएंगे। और बाकी दिवाली के टाइम पे अच्छा लगता है मार्केट में जाना रामनगर में ना, अच्छा मतलब सब चीज़ फ्लावर वावर इतने सुंदर, लेकिन भीड़ के चक्कर से ना मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जाने आने जाने के लिए भी जगह नहीं मिलती है हम लोगों को, तो इसलिए मैं थोड़ा वैसे धनतेरस के दिन मतलब कल जो है हम कल भी जा सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार चलो हम छोटी दिवाली के दिन ही जाएंगे, उस दिन अच्छा लगता है ना। धनतेरस के दिन तो नॉर्मल लोग मतलब कुछ सामान वामान अगर उन्हें लेना हो, जैसे गोल्ड वोल्ड की चीज़ें हो गई या वैसे बर्तन हो गए, ये चीज़ें मतलब जो लेता है वही लोग मतलब जाते हैं, तो सही है। अब मैंने कहा हमारा तो कुछ ऐसा काम नहीं है, हमें तो घूमने जाना है, तो इसलिए मैंने धनतेरस के दिन नहीं गई, हमने कहा चलो हम आज के दिन ही चले आते हैं। और
ये हम पहुंच गए थे भवानीगंज। यहाँ से ना रास्ते में बहुत चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी चलते चलते। इतनी दूर 1.5-2 किलोमीटर हमें पैदल चलना था, और ऊपर से पूरे मार्केट हमें पैदल चलनी थी। तो ये देखो हम पहुंच गए अंदर जगह पे। देखो स्टार्टिंग में कितना सुंदर लग रहा है, फ्लावर ही फ्लावर। जहाँ आप देखो वहाँ कहीं पे रियल फ्लावर थे, यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर भी इतने सुंदर लग रहे थे। तो ये अभी हम मैं भी जा रही हूँ ना फ़ोन लेने, क्योंकि मेरी अम्मा जो है उनका फ़ोन हमने दिया था सही कराने के लिए, लेकिन वो बहुत टाइम से लोग भैया ने सही करा ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं पहले फ़ोन ले लूँगी वहाँ से, फिर उसके बाद चलेंगे। तो मैं अभी उनकी शॉप में आ गई थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि भैया फ़ोन हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरा मुँह देखो कैसा हो गया, क्योंकि हमने बहुत टाइम से उसमें फ़ोन दे रखा था, और 2 बार का हमने रिचार्ज भी करा दिया था उस पर। तो मूड तो ख़राब होता है ना, फ़ोन भी सही नहीं हुआ और हमारा जो रिचार्ज करा हुआ था वो भी मतलब बेकार ही गया। तो अभी हम ऊपर को जा रहे थे, यहाँ पे भी देखो कितनी सुंदर सुंदर फूलों की माला ये सब चीज़ें लगी हैं, लेकिन मैं ना ले नहीं पाई इनको, क्योंकि मुझे ना लेट हो गया था घर आने के लिए। लेकिन मैंने दिए भी ये लिए थे घर के लिए जो लिए हैं। और अभी हम मेरा भाई ना जहाँ साइकिल देख रहा था वहाँ पे मुझसे कह रहा था मुझे साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। सामान खरीदने आए हैं हम दिवाली का छोटा मोटा, और ये कह रहा है मुझे 4-5 हज़ार की साइकिल चाहिए। लगी है भी यहाँ पे देखो हम पहुँच गए थे ये महेश्वरी वाली गली बोलते हैं इसको, मेरे को नाम याद नहीं, मेरे को तो नाम कहीं का गली का याद नहीं है, बस ऐसी याद है। जैसे कुंदन वाली गली हो गई, महेश्वरी वाली गली हो गई, एक चूड़ी गली याद है बस, बाकी और मुझे नाम याद नहीं है कहीं के भी। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी इतनी सुंदर सुंदर मालाएं आई थी, और मूर्तियाँ आई थी गणेश जी की, लक्ष्मी माता की पोस्टर्स आए थे। और यहाँ पे तो फिर भी कम भीड़ है, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत चलने का हो रहा था, लेकिन जब हम आगे गए ना वहाँ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ट्रैफिक के वजह से। कहीं कहीं पे तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, फ़ोन ही नहीं निकाल पाई, ऐसा हो गया था। देखो यहाँ पे पूरा टेंट भी लगा रखा है ऊपर से लोगों ने, टेंट से मतलब ना एक अच्छी मतलब अच्छी वाइब आती है देख के, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ चलो दिवाली का टाइम है और ये सब। और मेरे को तो चलते चलते भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी घर से मैंने कपड़े वपड़े धोए, फिर मैं खाना भी नहीं खा के आई। और जहाँ मेरे भाई को बंदूक दिख रही थी, साइकिल दिख रही थी, इसको तो बस वही बंदूक भी चाहिए थी और साइकिल भी चाहिए थी। मुझसे ऐसा कह रहा था बस मैं अब घर बैठ के साइकिल नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन भी 1-2 ऐसी ट्राई के लिए देख ली कि मतलब हमारी वाली कैसी है, इनमें से कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी थी ये वो करके। तो हमने वॉशिंग मशीन भी 1-2 देख ली है खाली। और अभी हम जा रहे हैं चूड़ी गली को, क्योंकि चूड़ी गली में ना बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन, वहाँ की सामान वामान मतलब चूड़ी गली में ज़्यादातर अच्छा मिल जाता है। और ये रियल फूलों की माला भी इतनी सुंदर लग रही थी ना, क्योंकि अब आज तो दिवाली में, अब मैंने कहा यार फिर कल दिवाली तक तो ये थोड़ी मुरझा जैसे जाते हैं फूल, तो इसलिए मैंने नहीं लिए, वरना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे वहाँ पे वाले फूल। तो अभी हम जा रहे हैं चूड़ी गली को। यहाँ पे देखो चूड़ी गली को अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे से सुनार उनार की दुकान भी बहुत लगती है, और सुनार की दुकान में इतनी भीड़ थी भैया, लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सोने इतनी भीड़ लगी थी, बिल्कुल कदम रखने की भी जगह नहीं होती अगर कोई जाता तो। ये अब हम पहुँच गए थे चूड़ी गली। देखो जैसे मैंने आपको कहा था ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। इस समय तो फिर भी कम थी, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। तो हमें अभी परचेस करने थे यहाँ से पोस्टर माता रानी के, मतलब लक्ष्मी माता के, और गणेश जी शिव जी जी मतलब जिनके भी मिल जाएंगे हमें पोस्टर्स और दिए और वो चीज़ें परचेस करनी थी। लेकिन मैंने बोला ना मेरे को भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हम मतलब थोड़ा हमने कहा चलो पहले हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे ना 20-20 रुपये की माले के माला जो थी मतलब दरवाजों में लगाने वाली, वो भी 20-20 रुपये का जोड़ा अच्छा मिल जा रहा था। बाकी जगह तो 40 रुपये का, इतनी महंगी हो रही थी सब चीज़ें, इतनी महंगी ना कुछ चीज़ लेने का ही नहीं होता। 10 रुपये में तो मतलब मान लो आपको कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती है। एक थोड़े मेरे को दिए मिले हैं 10-20 रुपये के। तो अभी हम जा रहे हैं हंगरी पॉइंट, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है वो हंगरी पॉइंट। तो वहाँ पे मतलब आपको बर्गर वर्गर इसी चीज़ें मिलने को खाने के लिए मिल जाती है। तो पहले हमने कहा चलो वहाँ पे से खा के आते हैं। अभी हम पहुँच गए थे और अभी हमने हमारा ऑर्डर मंगाया ही था, भाई लोग सब आए थे तो वो भी हमने मंगाया था। और यहाँ पे हमारा आ गया था बर्गर, हमने मंगाए थे 3 बर्गर,
और एक पनीर रैप मंगाया था। बस हमने पेट पूजा करी और हम आ गए चल गए बाहर को। और यहाँ पे तो मतलब ऐसे त्योहारों के टाइम पे, दिवाली वाली के टाइम पे तो अब लाइन मतलब रोड क्रॉस ही नहीं कर पाओगे इधर से उधर, इतनी भीड़। मैं तो इतनी देर तक अटके रह गई। फिर उसके बाद मुझे लेनी थी मूर्तियाँ, यहाँ से मैंने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी। मतलब किसी की नाक हो रही थी, किसी के कोई लंबा कोई बड़ा ऐसे हो जा रहा था। मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। मेरे को एक तो लेनी थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, भगवान जी तो सभी अच्छे होते हैं। तो मैंने यहाँ से एक लक्ष्मी माता की और एक गणेश जी की मूर्ति परचेज़ की थी। और मुझे और भी बहुत सारी पसंद आ रही थी, लेकिन दो ही लेनी थी। और यहाँ पे मुझे लेने थे एप्पल और ये चीज़ें लेनी थी। तो मैंने 3-4 पैकेट वो भी ले लिए, क्योंकि हमारे वहाँ ना मैंने उसकी बना दी थी डेली, तो इसलिए हमारी इस बार ज़्यादा लगी नहीं, वरना मैं तो बहुत सारे लाने पड़ते हैं। उसके बाद हम आ गए थे मोमोज़ खाने, क्योंकि भाई ने जिद करी तो मुझे मोमोज़ खाने, तो हमने कहा चलो। फिर मुझे ना अपने घर के लिए पर्दे देखने थे, लेकिन मुझे ना पर्दों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं यहाँ के। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप सबको हैप्पी दिवाली गाइस, बाय।